तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई देखो, आजकल ना सच बोलने का जमाना नहीं है, सच्चाई किसी को हजम नहीं होती है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बना के बता दिया था कि जब RRR की रिलीज डेट सामने आई थी एंड जब हमको पता चला था भाई RRR क्लैश करने वाली है भूल भुलैया 2 के साथ, जिसमें कार्तिक आर्यन होने वाले, मैंने आपको तभी बता दिया था कि भाई कार्तिक आर्यन के अंदर इतना दमच नहीं है एंड कार्तिक आर्यन की इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इसके मेकर्स के अंदर भी इतना दम नहीं है जो RRR का सामना कर सके। पहली बात तो ये फैक्ट है। अब कार्तिक आर्यन की क्या बात करें, मतलब बॉलीवुड में आज की डेट में किसी में भी इतना दम नहीं है जो इस राजामौली सर की मूवी के साथ क्लेश करेगा, किसी के अंदर भी इतनी दम नहीं है। एंड ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, कोई कितनी भी गालियां दे इस बात के ऊपर, बट आज के टाइम पे ये रियलिटी है। एक अकेला एस एस राजामौली और पूरे का पूरा बॉलीवुड के ऊपर भारी है वो बंदा, ये रियलिटी है। घंटा किसी के अंदर भी दम नहीं हो RRR के साथ क्लेश करेगा, एक बात आप याद रखे रख लो। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो साला प्रॉब्लम ये नहीं है कि भूल भुलैया 2 पोस्टपोन कर दी जस्ट रीजन ऑफ RRR। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एंड देखो यार, हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग डिसएग्री करे, तो उनके लिए कमेंट सेक्शन है, गालियां दे सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन गालियां पढ़ के भी खुश हो जाता है, एटलीस्ट व्यूज तो आ रहे, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा देखो एक बात है, अभी ये लोग देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वॉन्टेड सक्सेस हुई तो हमको राधे और मोस्ट वॉन्टेड भाई झेलनी पड़ी, एंड वो सिर्फ एक वॉन्टेड का टाइटल था ना, उसके ऊपर पूरी के पूरी मूवी को लेके गई ये लोग। दबंग को लो, दबंग मास्टरपीस मूवी, एंड उसके बाद दबंग 2 एंड दबंग 3 अपना भेजा खराब करने वाली मूवी थी, एक बात आपको माननी पड़ेगी। एंड बहुत सारी मूवीज है, एक नहीं है, वेलकम मूवी को लो, अक्षय कुमार वेलकम बैक महाबकवास मूवी, सिर्फ और सिर्फ वेलकम के टाइटल के साथ उस मूवी को आगे लेके गए थे, इट्स अ महाबकवास मूवी। एंड ऐसी एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप उठा के देखोगे तो घंटा, मतलब जो एक चीज सक्सेस होती है ना, ये लोग उस टाइटल के नाम के ऊपर है ना लोगों का चूतिया काटते। अभी देखो, अभी खबर निकल के आई थी बजरंगी भाईजान मास्टरपीस मूवी, बजरंगी भाईजान 2 लेके आ रहे हैं ये लोग, कीक जबरदस्त मूवी थी, फिर भी मतलब वो कॉपी थी, फिर भी यार क्या ही कर सकते हैं यार, रीमेक थी फिर भी क्या कर सकते हैं, वो सुपर डुपर हिट हो ही ना, तो अभी ये लोग कीक 2 लेके आने वाले। इसी तरह से अगर सुल्तान जबरदस्त तरीके से बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी ना, तो ये लोग सुल्तान 2 भी लेके आएंगे। ये चलता रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ खराब है यहाँ पे, हर मूवी का कोई दूसरा तीसरा पार्ट बनता है तो वो खराब ही होता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। धूम 2, धूम 3, इट्स अ मास्टरपीस यार। जब भी धूम सीरीज निकल के आती है, मतलब एकदम मजा आ जाता है। आप क्रिस को लो, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ खराब है, अगर अच्छी चीज़ है तो अपन यहाँ से सपोर्ट भी करते हैं, बट ज़्यादातर क्या होता है ना कि भाई कोई एक चीज़ आ रही है, वो सक्सेस हो रही है ना, तो वो लोग उसके टाइटल के नाम पे लोगों का चूतिया काटने आ जाते हैं, सिर्फ चेहरे बदल देंगे या फिर इधर उधर की कहानी बदल देंगे। अगर मैं भूल भुलैया 2 की बात करूँ तो भाई वही सब चीज़ होगी अंदर, मतलब इसमें कुछ यूनिक लेके आई नहीं होंगे ये लोग, सिर्फ चेहरा बदल दिया एंड वही सब, मतलब कॉमेडी हॉरर स्टोरी वगैरह वगैरह वगैरह, आप इसमें कुछ नहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने उससे उम्मीद भी लगाई होगी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई हर चीज़ खराब होती है, आप धूम सीरीज लो, आप क्रिस की सीरीज लो, इट्स अ मास्टरपीस। एंड मैंने एक मूवी देखी थी सलमान भाई की, एक था टाइगर, अरे भाई कसम से मेरे को मूवी आज भी समझ नहीं आई, हॉनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज वो मूवी मैंने जब देखी थी, वो जिस तरह से स्टार्टिंग होती है वैसे ही खत्म हो जाती है, उसका एंड ही नहीं है। सलमान भाई लेके भागते रहते एंड में भाग जाते हैं, इवेंचुअली मैं थिएटर में बैठा हूँ, सारे इस मूवी खत्म कब होगी, मेरा दोस्त बोलता है कि खत्म हो गई, तो मैंने बोला भाई ये तो ठीक से स्टार्ट भी नहीं और खत्म हो गई। एंड ऐसा नहीं है भाई, टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर एक था टाइगर के बाद जब टाइगर जिंदा आई, इट्स अ मास्टरपीस। वो मूवी मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस की थी, बहुत ही पसंद आई थी, एंड वो जो रोल था सलमान खान पे एकदम ज़बरदस्त सूट हो रहा था। एंड आपको पता है मैं टाइगर 3 की बात हर बार करता हूँ, बिकॉज उस मूवी से मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हूँ, एंड आई होप टाइगर 3 एक अच्छी मूवी निकल के आएगी। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि अपना उसमें एक और फेवरेट हो रहे इमरान हाशमी के भी अपन बहुत बड़े वाले फैन है, तो भाई टाइगर 3 से अपन को बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं अपन, तो आई होप कि आप टाइगर का जो एक टाइटल है, एक टाइटल के ऊपर आप पैसे ना कमा के लोगों के जो फीलिंग्स है ना उस पर खड़े उतरोगे। एनीवेज यार देखो, अब मैंने तो आपको बोला था कि भाई भूल भुलैया 2 पोस्टपोन हो जाएगी, हम भूल भुलैया 2 पोस्टपोन हो चुकी है। एंड देखो सबसे पहले तो राधेश्याम की रिलीज डेट भी आ गई है, आपको सबसे पहले तो 11 मार्च को राधेश्याम को देखना है, उसके 2 वीक्स के बाद आपको देखना है RRR को, फिर KGF Chapter 2 14 अप्रैल, फिर उसके बाद भी और बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है एंड बॉलीवुड की भी मूवीज आएगी बड़ी बड़ी। यार देखो अगर अच्छी चीज़ होगी ना तो अपन को सपोर्ट करना है, अपन को मजे लेने हैं, सिनेमा अगर खुल रहा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ साउथ का मटेरियल आएगा वही चलेगा, बॉलीवुड से अगर अच्छा मटेरियल आएगा तो आई होप अपन उसको भी सपोर्ट करेंगे एंड वो भी चलेगा। बट सर GST कहने का रीज़न ये है कि आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इतना पेलते हो, इतना ये करते हो, कल मेरे को एक बंदे ने बोला था कि भाई भूल भुलैया 2 पोस्टपोन नहीं होगी, एंड मैंने उसको बोल दिया था कि भाई 110% पोस्टपोन होने वाली है, एंड जब मैं उठ के सोशल मीडिया चेक किया तो भाई हमको दिख गया कि भूल भुलैया 2 विल बी पोस्टपोन। यार उसमें देखो कार्तिक आर्यन इसके मेकर्स की गलती नहीं है, बिकॉज RRR एक
सेलिब्रेशन है एंड उसके आगे मतलब वो एक है ना ऐसा वो एक ऐसी आती है ना ट्रिपल आर, कोई भी मूवी ट्रिपल आर का सामना नहीं कर सकती है। एंड मैं यही सजेशन दे रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा को, आमिर खान को, बिकॉज KGF चैप्टर 2 का क्रेज देखते हुए उसमें रॉकी भाई का जिस तरह से क्रेज है, लोगों में इतना एक्साइटमेंट है, वो एक फेस्टिवल है, तो जिस तरह से मतलब भूलभुलैया 2 को खतरा है वैसे ही लाल सिंह चड्ढा को भी खतरा है, बट आमिर खान के फैंस मानने को तैयार ही नहीं है। बट वो जब क्लेश करेगी, जब रिलीज होगी, तभी लोग के भेजे में गुस्सेगा कि भाई काश हमने रॉकी भाई का सामना नहीं किए होते तो आज हमारी इस मूवी का हाल ये नहीं हुआ होता। मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार, मेरे को लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स भर भर के गालियां दे रहे, पेल रहे कि आमिर खान का स्वैग, आमिर खान को तो जानता नहीं है, इतने साल राज किया ये अरे भाई रात गई बात गई, आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम की सोचो कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, वो 20-25 साल छोड़ दो, आज के टाइम पे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, प्रेजेंट में जियो। आज के टाइम पे रॉकी भाई एंड KGF चैप्टर 2 का जो क्रेज है भाई, कोई नहीं लग सकता उसको, कोई नहीं मैच कर सकता, ये आप गांठ बांध के रख लो, कोई नहीं मैच कर पाएगा। 110% आमिर खान को लॉस होगा ही होगा, अगर चल भी गई तो कितना चलेगी, बिकॉज दो इतनी बड़ी मूवी एक साथ में रिलीज होगी, दोनों का लॉस पक्का है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ लाल सिंह चड्ढा का ही लॉस होगा, बट ज्यादा लाल सिंह चड्ढा का होगा, KGF चैप्टर 2 का इतना लॉस नहीं होने वाला, एक बात आप लिख के रख लो। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।